नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्नी जी। सामान हिंदी श्रृंखला के चौथा पाठ है और आज के इस पाठ में हम बात करेंगे कारक और विभक्ति। इसके पहले हमारे तीन पाठ आ चुके हैं जिसमें हमने वर्णमाला से शुरू किया था। वर्णमाला, उसका संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, ये हमारे तीन टॉपिक कम्प्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद आज के इस पाठ में हम बात करेंगे कारक और विभक्ति। कारक और उनके कारक चिन्ह, जो विभक्ति है उसको कारक चिन्हों से जाना जाता है कि कारक और उनको किस एक स्पेशल शब्द से उसको डिनोट किया जाता है, ये चर्चा आज के इस वीडियो में हम करेंगे। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कारक आखिर होता क्या है, कारक की परिभाषा जानेंगे। कारक को इंग्लिश में बोलते हैं केस, जो इसका इंग्लिश वर्ड है वो है केस। इंग्लिश में इसको केस नाम से जाना जाता है और हिंदी में इसको कारक कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे कि कोई सेंटेंस होता है, कोई भी वाक्य लिखा जाता है तो उसमें क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम होती है। तो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों, जिसमें से स्पेशली हम बात करेंगे क्रिया की, कि जो संबंध होगा वो ज्यादातर किससे होगा, क्रिया से होगा। यहाँ पर जो विशेषता बात की जाएगी वो होगी क्रिया की, क्रिया से हम यहाँ पर इसको समझेंगे। तो यहाँ पर जो ज्यादा इफेक्ट होगा वो किस पे होगा, क्रिया पर होगा। तो अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, कारक होते हैं। और हिंदी में कारकों की जो संख्या है वो है 8। हिंदी में कारकों की संख्या जो होती है वो होती है 8। आगे हम एक एक कारक को एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद जानेंगे विभक्ति क्या होती है। तो कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। जैसे कि संज्ञा या सर्वनाम को प्रकट करने के लिए किसी भी सेंटेंस में इसके साथ जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, हम विभक्ति कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है, राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ पर क्या है, राम हमारा क्या है, संज्ञा है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, संज्ञा है हमारी, तो संज्ञा के साथ यहाँ पर कौन सा चिन्ह यूज हुआ है, ने। तो यहाँ पर जो ने चिन्ह है ये क्या है, यहाँ पर कारक के रूप में कार्य कर रहा है, कारक की विभक्ति के रूप में। अभी कौन सा कारक है इसकी चर्चा हम विस्तृत रूप से आगे करेंगे। इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर राम ने रावण को और बाण से, किससे मारा, बाण से मारा। अब यहाँ पर इसको पूरा हम डिस्क्राइब करेंगे कि इस वाक्य में राम जो है वो क्रिया, क्रिया मतलब यहाँ पर क्या है, मारना, मारना क्रिया है। तो इस मारने की क्रिया का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किससे इसको वो किया है, क्रिया से। तो मेन यहाँ पर हमारी क्या है, क्रिया। जैसे कि हमने ऊपर बताया था कि यहाँ पर जो भी होगा वो किससे डिनोट करेंगे, हम क्रिया से। उसके बाद रावण इस मारण क्रिया का कर्म है, रावण कौन है, कर्म है। क्यों मारा, कौन गया है, मारने की क्रिया किसके ऊपर इफेक्ट हुई है, रावण के ऊपर। तो रावण क्या हुआ है, मारा गया है। तो ये भी किससे हो रहा है, क्रिया से। उसके बाद बाण, तो बाण से क्या किया गया कि यही क्रिया संपन्न की गई है, अतः बाण इस क्रिया में प्रयोग होने वाला साधन है। और इसको कारक में हम बोलते हैं करण कारक। इसको क्या बोलते हैं, करण कारक। आगे सभी कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन यहाँ के लिए जान लीजिए कि जो मेन है वो क्या है, हमारी क्रिया। तो इसका जो सबसे अधिक इफेक्ट होता है वो किसका होता है, क्रिया का होता है। तो राम ने रावण को बाण से मारा, मारने की क्रिया किसने की, राम ने। मारा कौन गया, रावण। किससे मारा, बाण से। तो सभी कुछ किससे मैच हो रहा है, क्रिया से। यहाँ पर जो मुख्य होगा वो क्या होगा, क्रिया होगी। आगे हम बात करेंगे कर्ता कारक की। जो पीछे बताया गया कि जो कारकों की संख्या है वो 8 होती है, तो इसमें से जो सबसे पहला है वो है कर्ता कारक। जैसे कि अगर हम पिछले एग्जांपल की बात करें तो वहां पर लिखा था राम ने, तो वहां पर क्या था, जो राम था वो क्या था, कर्ता, और जो ने था वो क्या था वहां पर, कारक। तो यहां पर जो ने होगा वो क्या होगा, कर्ता कारक होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, ने जो होगा वो यहाँ पर क्या कहलाएगा, कर्ता कारक। कर्ता के साथ प्रयुक्त होने वाला जो शब्द होगा वो क्या कहलाएगा, कर्ता कारक। आइए फिर से इसको देख लेते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया
के करने वाले का बोध कराता है, अर्थात क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जो क्रिया का बोध कराता है, जो भी कार्य हुआ है उसको करने वाले का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं हम, कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक की एक जो चिन्ह है वो क्या होता है, ने। इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या होता है, ने। इसको इसी शब्द से पहचाना जाता है, इसका जो चिन्ह है वो क्या है, ने। लेकिन इसका जो प्रयोग होता है वो केवल भूतकाल क्रिया होने पर ही होता है। वर्तमान काल और भविष्य काल में इस, और अगर क्रिया अकर्मक है तब भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऐसे वाक्य जो भूतकाल पर आधारित हैं उनमें ही कर्ता कारक के लिए ने का प्रयोग किया जाता है। अदरवाइज यदि भविष्यकाल हो या फिर वर्तमान काल हो या फिर क्रिया अकर्मक है तो भी इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अकर्मक और सकर्मक क्रिया हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, फुल्ली एक्सप्लेन करके पढ़ाया था। अगर इसमें इस टॉपिक पर आपको कोई समस्या है तो पिछला वीडियो जरूर देख सकते हैं। तो कर्ता कारक में जो विभक्ति चिन्ह है वो ने है, इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ भूतकाल में किया जाता है। वर्तमान भविष्य और अकर्मक होने पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि कैसे नहीं कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, तो ये एक वर्तमान का वाक्य है, वर्तमान काल में बना हुआ एक वाक्य है। यहाँ पर देखिए अभिषेक, अभिषेक क्या है, संज्ञा है, लेकिन इस संज्ञा के साथ यहाँ पर ने का प्रयोग नहीं किया गया है कि राम ने पुस्तक पढ़ता है, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पर क्योंकि ये वर्तमान काल का सेंटेंस है इस वजह से यहाँ पर ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो कर्ता कारक के साथ जो ने शब्द का प्रयोग होता है वो सिर्फ और सिर्फ भूतकाल क्रिया होने पर ही होता है। अगला है कर्मकारक। कर्मकारक क्या होता है कि वाक्य के जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्मकारक कहते हैं। कर्मकारक का जो व्यक्ति चिन्ह है वो है को, इसको को से डिनोट करते हैं। इसका प्रयोग जो है सजीव के साथ होता है, निर्जीव के साथ इसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर राम ने, फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, राम ने, राम यहाँ पर क्या है, संज्ञा है, इसके साथ में ने प्रयोग हुआ है, तो जो ने है यहाँ पर वो क्या है, कर्ता कारक। आगे है रावण को, रावण यहाँ पर क्या है, रावण जो है यहाँ पर कर्म है, और जो क्रिया हो रही है उसका इफेक्ट जो है रावण पर पड़ रहा है, इसके साथ में जो भी कारक यूज होगा वो क्या कहलाएगा, कर्म कारक, और इसको हम को से डिनोट करते हैं। और दूसरी चीज कि इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सजीव के साथ होता है, निर्जीव के साथ नहीं होता है। इसके बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कि आखिर इनका प्रयोग कहाँ पर होता है, जो भी हम बता रहे हैं कर्ता कारक और कर्म कारक, इनका प्रयोग कहाँ पर होता है। तो जहाँ पर वाक्यों को शुद्ध या अशुद्ध किया जाता है, जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है, तो वहाँ पर इनका बहुत यूज होता है। वहाँ पर इनकी जगह पर कुछ दूसरा कुछ यूज किया जाएगा। अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो वहाँ पर आप उसकी गलतियों को निकाल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ गलतियाँ ऐसी होती जो कि हमें नॉर्मल बोलचाल की होती तो समझ में आ जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ उसे रूल पर आधारित होती हैं। अगर आपको रूल नहीं पता है तो वो आपको सही लगेंगी, लेकिन वास्तव में वो क्या होती हैं, गलत होती हैं। तो इस तरीके से इनका यूज वहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इसके कई यूज हैं जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसका जो मेनली यूज है वो अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने में होता है। अगला इसका एग्जांपल है राजू दूध पीता है, जैसे कि यहाँ पर बताया था कि निर्जीव के साथ इसका यूज नहीं होता है। तो जो अशुद्ध वाक्य होगा उसमें लिखा होगा राजू दूध को पीता है या राजू दाल को खाता है, तो वहां पर क्या होगा, जो को शब्द होगा वो क्या होगा, गलत होगा। तो वहां पर क्या होगा, निर्जीव चीज के साथ कर्म कारक का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वहां पर को का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो इसी तरीके से वहां पर अशुद्ध वाक्य को शुद्ध किया जा सकता है। अगला है करण कारक। करण कारक क्या होता है, वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, वाक्य में जो कर्ता है वो जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, अर्थात क्रिया के साधन को करण कहते हैं। जो क्रिया का साधन है उसको क्या कहते हैं, करण कहते हैं। इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो है से, जैसे कि रश्मि चाकू से सब्जी काटती है, तो यहाँ पर रश्मि जो क्या है, संज्ञा है,
काटने की जो क्रिया हो रही है वो किससे हो रही है, मेन हमारा यहाँ पर करण को समझना है, जो काटने की क्रिया हो रही है वो किससे हो रही है, इस क्रिया को करने का जो माध्यम है या साधन है वो क्या है, चाकू। तो चाकू के साथ देखिए यहाँ पर जो करण यूज हुआ है, जो कारक यूज हुआ है वो है से, और जो से है वो कौन सा कारण है, करण कारक, कौन सा कारक है, करण कारक। और ये कब यूज होता है, जब क्रिया को करने का साधन या फिर उसका जो भी माध्यम है उसको डिनोट करने के लिए करण कारक का यूज किया जाता है, इसका विभक्ति चिन्ह से है। अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान क्या होता है, संप्रदान का जो अर्थ होता है वो है देना, अर्थात जिसके लिए क्रिया की जाती है। अब यहाँ पर क्या है, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं, और इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए। इसको एक एग्जांपल समझेंगे, जैसे कि इसका जो एग्जांपल है, आलोक माँ के लिए दवाई लाया, तो यहाँ पर जो क्रिया हुई है वो क्या है, दवाई, दवाई लाई गई है, तो दवाई लाना ये क्या है, एक क्रिया है, दवाई लाना एक क्रिया है, कौन लाया है, आलोक लाया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, दवाई लाई गई है, कौन लाया है, आलोक लाया है, किसके लिए लाया है, तो माँ के लिए लाया, तो यहाँ पर देखिए माँ के लिए, तो जहां पर देने का अर्थ होता है मतलब किसी दूसरे के लिए कार्य किया जाता है, तो वहां पर क्या होता है, संप्रदान कारक का यूज होता है, इसके लिए जो विभक्ति चिन्ह है वो है के लिए, जैसे आलोक माँ के लिए दवाई लाया। मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी, यहां पर देखिए ये एग्जांपल क्यों यूज किया गया, मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी, तो यहां पर देने का काम कौन कर रहा है, मीनाक्षी, क्या दी, पुस्तक दी, किसको दी, कविता को दी, तो यहां पर जो कर्म है वो कौन से हैं, दो हैं, यहां पर जो कर्म है वो दो हैं, कविता और पुस्तक, तो जहां पर द्विकर्मी सेंटेंस होगा वहां पर जो संप्रदान कारक है वो के लिए यूज नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पर मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी, तो यहाँ पर अगर अशुद्ध वाक होगा, मीनाक्षी ने कविता के लिए पुस्तक दी, देखिए यहाँ पर कैसे इसको नोट करेंगे, मीनाक्षी ने कविता के लिए पुस्तक दी, तो कविता के लिए पुस्तक दी, तो यहाँ पर दो हैं ऑब्जेक्ट, कौन कौन से, कविता और पुस्तक, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जो संप्रदान कारक है वो के लिए यूज नहीं होगा, यहाँ पर जो है वो गलती होगी, क्योंकि ये द्विकर्मी सेंटेंस है और द्विकर्मी सेंटेंस में संप्रदान कारक के लिए यूज नहीं होता है, यहाँ पर जो है क्या यूज होगा, को यूज होगा। तो इसी तरीके से अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध किया जाता है, तो अगर आपको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन होगी तो वहां पर आप उसको ठीक तरीके से सही कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी गलती हो जाएगी। आगे बात करेंगे अपादान कारक। अपादान कारक क्या है कि वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप को एक व्यक्ति या दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना करने का भाव होता है तो उसे अपादान कारक कहते हैं। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के एक वस्तु या व्यक्ति से दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना करने के भाव होते हैं वहां पर क्या होता है, अपादान कारक होता है, और इसकी विभक्ति क्या है, से। इसको किसे डिनोट करते हैं, इसको भी से डिनोट करते हैं, जैसे कि एग्जांपल है, पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ पर क्या है कि एक जो संज्ञा या सर्वनाम है दूसरे व्यक्ति वस्तु या फिर किसी चीज से क्या होता है, अलग होता है या फिर तुलना की जाए, तो इसमें क्या है, अलग हो रहा है, और दूसरा क्या है, कविता सविता से अच्छा गाती है, यहाँ पर क्या है कि तुलना हो रही है, तो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से या एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होती है या फिर दूसरे से तुलना की जाती है तो वहां पर क्या होता है, अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है, और अपादान कारक की जो व्यक्ति है वो क्या है, से। इसकी व्यक्ति क्या है, से। इसको से डिनोट करते हैं। इसके अलावा जो था वो एक
करण कारक था, करण कारक को भी हम से ही डिनोट करते हैं। दोनों की विभक्ति क्या है? से। करण की भी विभक्ति से है और अपादान की भी विभक्ति से है, लेकिन यहाँ पर दोनों में एक डिफरेंस है कि जो करण कारक है उसमें क्या होता है, एक माध्यम होता है, क्रिया को करने का माध्यम होता है। तो जहां पर क्रिया को करने का माध्यम होगा वहां पर करण कारक होगा, और जहां पर एक दूसरे से अलग होंगे या फिर तुलना की जाएगी वहां पर क्या होगा, अपादान कारक होगा। दोनों में डिफरेंस है, दोनों के विभक्ति चिन्ह एक ही है, ठीक है। तो जहां पर अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध किया जाएगा वहां पर इस चीज को ध्यान देना जरूरी है कि वहां पर करण कारक होगा या अपादान कारक होगा। अगला है संबंध कारक। संबंध कारक क्या है कि जब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध होता है तो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो है का की के, इसको का की के से डिनोट करते हैं। जैसे कि अजय की पुस्तक गुम हो गई, तो पुस्तक किस का जो संबंध है वो किससे है, अजय से है। पुस्तक किसकी है, अजय की है। दोनों में क्या है, संबंध है। तो यहाँ पर जो संबंध कारक का यूज किया गया है वो कौन सी है, की। तो यहाँ पर की संबंध कारक का यूज किया गया है, और इसके स्थान पर का भी यूज हो सकता है और के भी यूज हो सकता है। जैसा जैसा सेंटेंस होगा उसके साथ का की के का यूज किया जाएगा। तो जहां पर एक दूसरे में संबंध है तो उस संबंध को स्थापित करने के लिए किसका यूज होता है, संबंध कारक का। और इसकी जो विभक्ति है वो क्या है, का की और के। अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है कि जब वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका जो चिन्ह है वो है मैं वे पर, मतलब कि जो कोई भी कार्य हो रहा है उसका बेस क्या है। जैसे कोई भी कार्य किया जा रहा है तो उसका बेस क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर कार्य हो रहा है उड़ रहे हैं, इसका बेस क्या है, कहाँ उड़ रहे हैं, आकाश में, तो ये क्या है, उसका एक प्लेटफॉर्म है। फिर दूसरा है मेज पर पुस्तक पड़ी है, तो पुस्तक क्या है, पड़ी है, कहाँ पर पड़ी है, मेज पर, कहाँ पड़ी है, मेज पर। तो यहाँ पर ऊपर वाले जो एग्जांपल है उसमें में और दूसरा जो एग्जांपल है उसमें पर, ये दोनों क्या है, अधिकरण कारक है। अगला है संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या होता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकार कर संबोधित किया जाए तो वहां पर संबोधन कारक यूज होता है। जैसे कि हे और अरे, अरे मोहन इधर आओ, तो यहाँ पर अरे क्या है, संबोधन कारक है। इसके द्वारा ही किसी नाउन या प्रोनाउन या संज्ञा सर्वनाम को पुकारा जा रहा है। यहां से क्या हो रहा है कि मोहन को पुकारने के लिए किसका यूज किया गया, अरे, अरे मोहन इधर आओ, तो मोहन को पुकारने के लिए अरे का यूज किया गया, तो अरे यहां पर क्या है, संबोधन कारक है। अब जितने भी आठ प्रकार के कारक हमने पढ़े हैं उनको कैसे एक लाइन या दो लाइन में शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है वो देखते हैं। इसको याद करना है कर्ता ने, जैसा कि हमने स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आए हैं कि कर्ता कारक के लिए जो विभक्ति होती है क्या होती है, ने। कर्म कारक के लिए विभक्ति होती है को। करण के लिए होता है से या के द्वारा। संप्रदान के लिए होता है को या के लिए। अपादान के लिए से, संबंध का, की के, अधिकरण में या पर। तो इसको याद कैसे करना है, कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, अधिकरण में, संबोधन है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, अधिकरण में, संबोधन है या अरे। तो इस तरीके से आप इसको एक बार याद कर लें तो आपके जो जहां पर भी आपको वाक्य को शुद्ध अशुद्ध करना होगा वहां पर इन सभी चीजों का यूज करके आप कारक की गलतियों को आसानी से डिनोट कर सकते हैं और उनका समाधान कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगला वीडियो जो होगा हमारा वो किसी नेक्स्ट टॉपिक पर आधारित होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको इजीली अवेलेबल हो सके। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन टर्न ऑन जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।